हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेंटोस फैक्ट्स में। और आज हम जानेंगे स्विट्जरलैंड के बारे में। स्विट्जरलैंड जो कि एक छोटा देश है, इसका साइज हरियाणा से भी कम है, लेकिन इनोवेशन के मामले में ये बहुत आगे है। स्विट्जरलैंड एक नोबेल प्राइज मशीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने 113 नोबेल प्राइज जीते हैं, जिनमें से ज्यादातर साइंस की फील्ड में है। यहाँ पे चार नेशनल लैंग्वेजेस हैं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमन्स। अगर इनोवेशन की बात करें तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए इस बात से कि 2011 से लगातार 9 साल तक स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पे रहा। अगर आपको आसमान की सैर करनी बहुत पसंद है तो स्विट्जरलैंड आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ पे हर साल जनवरी के महीने में हॉट एयर बलून फेस्टिवल होता है, जिसमें आप ऐसे अमेजिंग व्यूज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे। यहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी स्टेयरवे है, जो कि नीसन माउंटेन रेलवे लाइन के साइड में बनी है। हालांकि इस पे चलने का मौका साल में एक ही बार आता है। स्विट्जरलैंड की गोथार्ड टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 57 किलोमीटर है, जिसको बनाने में कुल 17 साल लगे। और सबसे ज़्यादा चॉकलेट खाने वाला देश भी यही है। अगर लेक्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग 7000 लेक्स हैं, जो कि एकदम पारदर्शी और नीले हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका एरिया 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। दुनिया में केवल दो ही ऐसे देश हैं जिनके पास स्क्वायर फ्लैग है, जिनमें से एक स्विट्जरलैंड है और दूसरा वेटिकन। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ आपको कुत्ते पालने पे भी टैक्स देना पड़ेगा, और उसका टैक्स डिपेंड करेगा कुत्ते के साइज और वेट पे। यहाँ पे मिलिट्री सर्विस कंपल्सरी है मेल्स के लिए, और फीमेल्स को अगर सर्व करना है तो वो वॉलंटियर कर सकती हैं। स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ राष्ट्रपति हर साल बदलते हैं। स्विट्जरलैंड में फाइन भी इनकम के हिसाब से लगाते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा अमीर उतना ज़्यादा बड़ा फाइन। यहाँ पे रिश्वत देना लीगल है ना हैरानी की बात। लेकिन चौंकिए मत, यहाँ के स्विस बैंक भी लीगल हैं, और उनके अंदर रखा गया ब्लैक मनी भी लीगल है। यहाँ पे असिस्टेड सुसाइड भी लीगल है, यानी अगर किसी ने सुसाइड करने में मदद की हो तो ये लीगल है। और इस असिस्टेड सुसाइड को स्विट्जरलैंड में दी एग्जिट कहते हैं। यहाँ पे च्युइंगम चबाना रूड माना जाता है। यहाँ पे लगभग आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन के पास गन्स हैं, फिर भी यहाँ का क्राइम रेट बहुत कम है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि स्विट्जरलैंड के सिटीजन्स वहाँ के कानून को चैलेंज कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें 50,000 सिग्नेचर्स इकट्ठा करने होंगे, वो भी 100 दिन के अंदर। और फिर वहाँ पे वोट के ज़रिए डिसाइड किया जाएगा कि वो लॉ रखना है या हटाना है। लग्जरी और कंफर्ट के मामले में स्विट्जरलैंड टॉप 10 कंट्री में से एक है, जिसमें से ज्यूरिख शहर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें स्विट्जरलैंड के बारे में। और भी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।